आखिरी दो सूरतें गोया के कुरान मजीद के इख्तिताम पर दो पहरेदार हैं। ये दो सूरतें हैं कि जो असल में मदनी सूरतें हैं, नाजिल हुई हैं मदीना मुनव्वरा में, और इनका जमाने नुज़ूल के एतबार से शान नुज़ूल भी है कि इनका हुज़ूर पर एक मरतबा जादू किया गया था, तो उस जादू के असरात को ज़ाहिर करने के लिए ये आयात फिर उतरी हैं, और हुज़ूर ने फिर जब इनकी बार बार तिलावत की है तो वो जादू के असरात, एक यहूदी ने किया था जादू आप पर जिससे आप कुछ चीजें भूल जाते थे, काफी आपको देर को तकलीफ रही है। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हमारे जदीद कुछ नेशनलिस्ट हैं और जो खासतौर पर मुमकिन हदीस हैं, वो समझते हैं कि इसमें तो तौहीन है रसूल की, जादू का असर हो सकता है। रसूल भी इस एतबार से बशर होते थे, तलवार का अगर कारी जख्म पड़ा है तो खून निकला, और खून निकल गया तो ज़ोफ़तारी हुआ, ज़ोफ़तारी हुआ तो बेहोशी भी हुई है। यानी ये जिस्म जो है उनका, उसके एतबार से जो भी बुखार आपको चढ़ा है, बुखार में तकलीफ हुई है, आलम नज़ा में नहाज शदीद तकलीफ हुई है, तो इस हवाले से ये ना समझिए कि वो बशरियत के जो लवाजिम है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें एक मकाम मिला है, एक किस्मत मिली है, एक बुजुर्गी है, वो अपनी जगह पर है। तो जादू का वो वाकया बिल्कुल सही है जो हुआ है, लेकिन उसके लिए अब ये दो सूरतें हैं। और यहां खासतौर पर नोट कर लीजिए कि ये मुअव्वज़तैन, ये एक सूरत भी हो सकती थी, लेकिन कुरान हकीम में जो आम मिजाज है कि सूरतें जोड़ों जोड़ों की शक्ल में है, तो दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और उसकी तकसीम क्या है, एक वो चीजें हैं जो इंसान पर बाहर से हमला आवर होती हैं, और एक चीज वो है जो इंसान के अपने अंदर से हमला आवर होती है। इन दोनों को दो अलहदा चीजों में रखकर और सिखाया गया हमें कि तुम हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करते रहा करो इन चीजों के असरात से, इन चीजों के असरात बद से अपने आप को बचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो कि मैं पनाह में आ गया सुबह के रब की। फलक, फलक वैसे तो ये लफ्ज हम पढ़ चुके हैं सूरह अनाम में, फालिकुल इस्बाह, रात की तारीकी का पर्दा फटता है और सफेदाए सहर नमूदार होता है, या गुठली, फालिकुल हब्ब व नवाय, तो वो जो गुठली होती है वो भी फटती है तो उसमें से दो पत्तियां निकलती हैं तो दरख्त बनता है। इस एतबार से फलक से मुराद यहां सिर्फ सुबह नहीं है, बल्कि जो अगली सूरत में आ रहा मा खलक, जो भी कुछ इस कायनात में उसने पैदा किया है, दर हकीकत वो अदम का पर्दा चाक करके उसको वजूद बख्शा है। अदम से, अदम महज से, क्रिएशन एक्स नहिलो, बगैर किसी शय के किसी शय को बनाना। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक, मैं पनाह में आता हूं उसकी तमाम मखलूकात की पनाह से। अब आप गौर कीजिए, मखलूक जाहिर बात है खालिक की तरह कामिल तो नहीं हो सकती, मखलूक के अंदर कोई ना कोई पहलू जो है वो कमी का, तकसीर का, नक्स का रह जाएगा। तो गोया के हर मखलूक में शर का पोटेंशियल एलिमेंट मौजूद है। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ताला किसी को सहारा दे दे, किसी को तो अपनी तरफ से इस्मत अता कर दे, अपनी तरफ से खसूसी प्रोटेक्शन अदा कर दे, पोटेंशियली खल्क जो है वो गोया के मुस्तलजिम है, उसके साथ शर के अंदर का पहलू मौजूद होगा। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक, यानी वो शर जो है खुद अपनी जगह पर कोई अलहदा मुस्तकिल वजूद रखने वाली शय नहीं है, बल्कि वो शर जो है खल्क के अंदर जो कमी का पहलू है। जैसे हमने इंसानों के बारे में पढ़ा, खुलकल इंसानों मिन अजल, इंसान की सरिश्त में जल्दबाजी है, खुलकल इंसान ज़ईफा, इंसान कमजोर पैदा किया गया है, जो उसका फितरत वाला पहलू है, जो रूहानी पहलू है वो तो है इन्ना खलकनल इंसान फी आसन तकवीन, लेकिन जो ये हैवानी पहलू है उसका, उसका जो मादी वजूद है इसमें तो ज़ौफ भी है। इन्नल इंसान खुलक हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूअन व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ, तो ये तमाम चीजें जो ज़हन में रखिए। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक, जो भी मखलूकात है उनमें से जो भी शर का पहलू है, मैं उससे ऐ परवरदिगार तेरी पनाह में आता हूं। वमिन शर्र गासिक इज़ा वक़ब, खासतौर पर यह रात को ढांप लेने वाली जो है रात, अंधेरा, ये जाहिर बात है इसी फिर रात के पर्दे में चोरी भी है, डाका भी है, इसी में फिर गौले बयाबानी जो है, शयातीन जिन है, उनका भी जो हरकतें होती हैं, फिर ये सारी चीजें जो है इसी के सिलसिले। मिन शर्र गासिक इज़ा वक़ब, सांप बिच्छू वगैरह भी उसी वक्त निकलते हैं। वमिन शर्र नफ्फासात फिल उक़द, और जो औरतें गांठें बांध कर फूंके मारती हैं, ये जो भी टोने टोटके होते हैं और उसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, गोया कि ये भी इसके अंदर भी कोई हकीकत है, ये सिफली अमलियात भी हैं, इनके भी असरात हैं।
जैसे कि हम जानते हैं कि जादू जो है हक है, बरहक है, अगरचे कुफर है। शराब की तासीर है लेकिन हराम है। कुछ ना कुछ हकीकत इन लकीरों में भी है लेकिन हमें रोक दिया गया कि इनके चक्कर में मत पड़ो। ये जो मुनज्जमी है, नुजूम की हरकत, इसमें भी कुछ ना कुछ हकीकत है लेकिन रोक दिया गया। तो किसी चीज का होना बिलफेल ये और शय है, लेकिन उसका जायज होना ये और शय है। तो बिलफेल ये अमलियात हैं जो अच्छे आमाल हैं और उनको जो है कोई अच्छे औराद हैं, अच्छे वजाइफ हैं, तो उनके कुछ असरात जो हैं अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से इस किस्म की चीजों में जादू के कलमात होते हैं, इनकी भी तासीर है। और वो जो औरतें जो है वो जादू करते हुए, जिसको हम कहते हैं कि वो तावीज गंडा वगैरह जो होता है, फिर वो उसमें फूंके मारती हैं, तो अल्लाह ताला से मैं उनके शर से भी पनाह चाहता हूं। वमिन शर हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से भी मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं, जबकि वो हसद अपना इस्तेमाल करे। अगर हसद है दिल के अंदर है तो बात और है, हसद को बरूए कार लाए वो और वो इंसान के दरपे हो जाए उस हसद की वजह से, उससे कोई नुकसान पहुंचाने को। और इसी किताबे है ऐन अलैन हक्कुल, कि अगर इंसान इस हासिदाना निगाह से किसी को देखता है उसके भी असरात होते हैं और उस देखने के भी कुछ बुरे असरात जो हैं वो जाहिर हो जाते हैं। तो ये तमाम चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनसे पनाह करने के लिए आप लंबे चौड़े कोई और सिलसिलों में न पड़े। यही मुअव्वज़तैन अल्लाह ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को तलकीन फरमाए, सारा दारो मदार इन पर होना चाहिए। तामुस करते रहे, इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कि हजरत सुलेमान के जमाने में जिन्नात जो थे उन्होंने ये सारे काम शुरू किए थे और लोग उनसे सीखते थे जादू टोना, और आज भी नक्शे सुलेमानी के नाम से बिकते हैं उस किस्म के जो भी तावीजात होते हैं, और वो धंधा बना हुआ है। तो उसको लोगों ने सीखा और वो लोग जो है आज भी हमारे यहां ये चीजें चल रही हैं, लेकिन ये चीजें हराम की गई हैं और कहा गया है कि कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। अगर ये यकीन इंसान के दिल में हो तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे तो ये है कि तकलीफ अल्लाह की तरफ से किसी वक्त आ सकती है बगैर इसके कि कोई और आपको पहुंचाए, अल्लाह की तरफ से खुद भी आ सकती है। बारक अल्लाह ली वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम।